नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में स्वागत है। चलिए डियर देखते हैं। तो अभी तक हम लोग बोल्ड करना सीख गए, कंटेंट को इटैलिक करना सीख गए, अब सेम उसी प्रोसेस पे हम लोग थोड़ा सा अंडरलाइन भी करना सीख जाएं। तो जल्दी से आते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं। और नोटपैड जैसे ओपन होता है तुरंत हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस होगा, टाइटल हमारा सेम वही होगा जो मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आई टैग की जगह क्या करना है, यहाँ पे एक टैग और इस्तेमाल कर देना है जिसका नाम होगा आपका, ठीक है, जिस टैग का नाम होगा यू टैग। यानी यहाँ पे हम क्या डिफाइन कर देंगे, यू टैग डिफाइन कर देंगे। और हमारा यू टैग जैसे यहाँ पे डिफाइन होता है, ये क्या करेगा, कंटेंट को अंडरलाइन कर देगा। यू टैग को आप क्लोज कर दीजिए, क्लोज करके तुरंत आप क्या करेंगे, अपने फाइल को सेव कर लेंगे। देखो यार, बार बार मुझे कंटेंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं एक ही प्रोग्राम में ये सारे फॉर्मेट टैग को यूज करके दिखा रहा हूँ। जैसा कि पहला मैंने बोल्ड किया, इटैलिक किया, अब हम तीसरा फॉर्मेट टैग आपको अंडरलाइन करके दिखा रहे हैं। हम फिर से फाइल में जाएंगे, सेव एज पर जाएंगे, अपने फाइल को सेव कर लेंगे। अपने फाइल को हमने यहाँ पे सेव कर लिया। सपोज दैट किसी का नाम है, ठीक है, राज नाम है, हमने राज नाम से फाइल को क्या कर दिया भैया, सेव कर लिया। raj.html हमने क्या लिख दिया, raj.html से हमने फाइल को सेव कर लिया और यहाँ पे हमारी फाइल ये सेव हो गई, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। राज नाम की फाइल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुरंत ओपन करेंगे। और हमारा जैसे फाइल को ओपन करेंगे, अब हमारा देखिए जो कंटेंट है डियर, इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखा कि नहीं दिखा, देखिए हमारा जो वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु है, इसी के अंदर आपको नीचे देखेंगे तो एक आपका अंडरलाइन भी दिख गया। यही हमारा आउटपुट होता है डियर। तो आज आपको मैंने ये चार टाइप बता दिया, बोल्ड करना बताया, इटैलिक करना बताया, अंडरलाइन करना बताया। इसी तरीके से बहुत सारे आपके फॉन्ट इफेक्ट दिखेंगे जो मैंने आपको बताया। ओके डियर, तो इतनी बात आपको समझ में जरूर आई होगी।